अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने होम किचन रेसिपीज में। हमने ये व्लॉग शुरू किया है जहाँ पे हम आपको ऐसी रेसिपीज सिखाएंगे, दोज आर इजी टू मेक, जो घर में भी आपको इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं जिनसे आप बना सकते हैं। हम शुरुआत पहली रेसिपी से करते हैं जिसका नाम है चिकन पाई। चलें जी, आइए मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स से मुतारिफ कराती हूँ कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उसके लिए। सबसे पहले इसमें आता है मेन इंग्रेडिएंट है इसका चिकन, ये तकरीबन आप 1 kg के करीब ले लेंगे और उसके छोटे पीसेस कर लेंगे, बहुत बड़े पीसेस ना हों उसके। सेकेंड मेन इंग्रेडिएंट है इसका बाकरखानी। आप किसी भी किस्म की बाकरखानी ले सकते हैं, ऑल टाइप ऑफ बाकरखानीज आर अवेलेबल ऑन एनी लाइक फ्रॉम एनी बेकरी, आप किसी भी बेकरी से जाके ख़रीद सकते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप विनेगर लेंगे, ऑयल लेंगे, बस 1 medium साइज़ अनियन चॉप, ठीक है, और कॉर्नफ्लावर आपको उसकी कंसिस्टेंसी बनाने के लिए चाहिए ग्रेवी की, काली मिर्चें पिसी हुई, शुगर, होल ब्लैक पेपर यानी कि साबुत काली मिर्च, उसके बाद नमक हसबे जायका और दारचीनी सिनेमन स्टिक्स। दीज आर दी बेसिकली मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ चिकन पाई। और इसके अलावा जो एक मेन इंग्रेडिएंट हमारे पास बॉईल हो रहा है वो है एग्स। आपने हार्ड बॉइल्ड एग्स लेने हैं तकरीबन 6। चलें जी, अब हम अपनी मेन रेसिपी की तरफ आते हैं और पहले ये दो पार्ट्स में बनेगी। पहली चीज़ तो ये है कि इसके अंदर हम पहले चिकन की ग्रेवी बनाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर सेकंड पार्ट होगा इसकी बेकिंग का। तो उसके लिए मैं ऑयल ले रही हूँ, यहाँ पे ये तो ऑलिव ऑयल है बट आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी ऑयल लें, वॉट एवर सूट्स यू और जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जो आप लोग घर में यूज़ करते हैं। चलें जी, उसके बाद मैंने इसके अंदर ये 2-3 दारचीनी जो सिनेमन स्टिक्स हैं ये मैं डाल दूँगी, साथ ही मैं कोई 5-6 इसके अंदर काली मिर्चें साबुत डाल दूंगी जी। इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 tablespoon ऑयल लिया है और उसके अंदर मैंने 2-3 दारचीनी के स्टिक्स डाली हैं और 5-6 काली मिर्चें साबुत। तो इसको अब हम भूनना स्टार्ट करते हैं। ये चिकन ऐड करेंगे और ये मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर बिल्कुल छोटे क्यूब्स डालने हैं चिकन के ना, और साबुत चिकन लेना है विद बोन, नॉट बोनलेस। और अब मैं इसको यहाँ पे भूनना शुरू करूँगी ऑन अ मीडियम फ्लेम, और आपने इसको अच्छी तरह भूनना है। दूसरी तरफ मैंने ये 6 अंडे तकरीबन बॉईल करने के लिए रखे हुए हैं, तो ये ऑलमोस्ट बॉईल हो ही चुके हैं, तो अब मैं इसको उसका फ्लेम बंद कर दूँगी और इन अंडों को चूल्हे पे से उतार लूँगी। अब आप लोग ये देख रहे हैं कि ये जो चिकन है आहिस्ता आहिस्ता भुन रहा है, बड़े प्यारा लग रहा है भुनते हुए। और इसके अंदर अब आप थोड़े से चॉप्ड अनियंस ऐड कर लें, ये अनियंस आप बेशक पहले ऐड करें या बाद में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आपने बस इसको थोड़े से अनियंस के साथ अब और भूनना है, इतना भूनना है कि ये बिल्कुल गल जाए चिकन जो है। अब आपने देखा है कि इसके अंदर उसने चिकन ने और प्याज ने अपना ज़रा पानी छोड़ दिया है, तो उसके बाद आप ऐसा करें कि इसको अब थोड़ी देर के लिए इसका लिड जो है वो कवर कर दें ताकि इसको ये इसी अपने पानी के अंदर और स्टीम के अंदर मुर्गी जो है वो गल जाए, और फिर उसके बाद फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। अब आपने ये देखा कि ये मैंने 6 अंडे थे इनको छील लिया है, यूँ करके हाफ करके रख लें, पहले से करके रख लें ताकि फिर बेकिंग डिश में आपको लगाने में आसानी हो। चिकन जो है ना ऑलमोस्ट तैयार है और ये फ्राई भी हो गई है, अच्छी गोल्डन सी कलर की हो गई है, तो अब हम इसको एक बड़े पैन के अंदर शिफ्ट कर लेंगे ताकि हम इसकी ग्रेवी तैयार कर सकें। अब आप ये देख रहे हैं कि ये चिकन मेरे रेडी थी और मैंने इसको अब एक बड़े पैन के अंदर शिफ्ट किया है, और अब हम चलते हैं आगे प्रोसीजर की तरफ। पहले तो हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी, और इस पानी के अंदर थोड़ा सा हम इसको हिलाएंगे चिकन को, ठीक है जी। अब इस पानी के अंदर हम तकरीबन
ये तकरीबन 1 टीस्पून के करीब इसमें हम पिसी हुई काली मिर्चें डालेंगे। इसी तरह हम तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे इसके अंदर और इतना ही तकरीबन ये चीनी 1 टीस्पून के करीब, और कोई भी आप विनेगर ले लें, वाइट विनेगर, मगर तकरीबन आप डालेंगे इसमें 2 टेबलस्पून, ठीक है। अब आप थोड़ी देर के लिए इस चिकन को इसके अंदर पकने देंगे। अब आप इसको इस पानी के अंदर चिकन को थोड़ी देर पकने देंगे। जब इसमें हल्का सा उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम कॉर्नफ्लावर पानी में घोल के इसके अंदर ऐड करेंगे, इसकी एक थिकनेस वॉल्यूम बनाने के लिए। अब आप इसका लिड हटाएं, इसके ऊपर आप देखेंगे कि इसके पानी में अब बॉयल आना शुरू हो गया है, ठीक है ना। तो आपने ये देखना है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी ग्रेवी आप चाहते हैं अपनी बेकिंग डिश के हिसाब से, क्योंकि उसमें ये ना हो कि वो ड्राई हो जाए। तो आपने, अगर पानी आपको लगता है कि कम है तो थोड़ा पानी आप इसके अंदर और ऐड कर लें। तो आई थिंक सो कि थोड़ा पानी हमें और ऐड करना चाहिए, और आप इसका ना थोड़ा सा चम्मच से नमक मिर्च वगैरह जो है वो एक दफ़ा चेक कर लें। ताकि अब हम इसके अंदर ये करेंगे कि हमने इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, पर कॉर्नफ्लावर कभी भी आप डायरेक्टली ऐड ना करें, क्योंकि उससे उसके वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं जो फिर डिज़ोल्व नहीं होती प्रॉपरली। तो आप उसको साइड पे पानी के अंदर डिज़ोल्व कर लें पहले, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून। अब आप इसके अंदर ऐसा ऐसा करके डालते जाएं और चमचे को आप हिलाते रहें ताकि उसके अंदर लम्स ना बने। और अभी आपने इसको थोड़ा पकने देना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। ये मैं दिखाना चाहूँगी कि ये इसके अंदर अब आप देखें बबल्स बनना शुरू हो गए हैं। तो ये तकरीबन मेरी ग्रेवी बस इट्स रेडी कि हम इसको अब बेकिंग डिश के अंदर निकालें। चलें जी, अब ये ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, तो मैं अब इसका चूल्हा कर रही हूँ बंद। अब हमने इन 3 चीज़ों की लेयरिंग कर ली है। सबसे पहले हम इसके अंदर चिकन डालेंगे, और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने 250 डिग्री पे अवन को प्री हीट होने के लिए ऑन कर दिया है। तो अब ये है कि अब मैं इसके अंदर चिकन निकालूंगी, चिकन के ऊपर मैं उसकी ग्रेवी डालूंगी, बीच में मैं उसके अंडे सेट करूंगी, और उसके ऊपर मैं बाकरखानी की लेयरिंग दूंगी। इसके ऊपर अब हम एग्स को सेट करेंगे। आप एग्स की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं अगर आप बढ़ाना चाहें, और अगर आपने 2 डिशेज़ में बनाना है, ज़्यादा लोग हैं, तो आप ग्रेवी की क्वांटिटी और चिकन की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं अपने। अब हम इसके ऊपर बाकरखानी की लेयर लगाते हैं। ये मैंने तंदूर से बाकरखानी ली है, आप किसी भी बेकरी से कहीं से भी ले सकते हैं जो आपके लिए ईजीली एक्सेसिबल हो। ये आपने देखा इसके ऊपर यूँ लगा दी, और एक बाकरखानी को हम करेंगे क्रश, और उसको हम बीच में जगहें खाली हैं उसके अंदर फिल इन करेंगे। इसकी आपने देखा कि ये पूरी कवर हो गई है बाकरखानी से। अब जो हमने प्री हीट किया हुआ अवन, उसके अंदर हम इसको रख देंगे
15 मिनट के लिए नीचे से इसको बेक करने के लिए, और उसके बाद आफ्टर 15 मिनट्स इसको ऊपर से गोल्डन ब्राउन करेंगे, दैट्स इट। और फिर आपकी डिश रेडी टू सर्व है, आप खा सकते हैं। अभी शुरू में आपने इसको नीचे से तकरीबन 15 मिनट के लिए बेक करना है, और जब ये नीचे से 15 मिनट्स हो जाए तो फिर आपने ऊपर वाला ओवन ऑन करके इसको ऊपर से गोल्डन ब्राउन करने के लिए जस्ट फॉर 3 to 4 or 5 मिनट्स के लिए आपने करना है। अब हमारी जो चिकन पाई है वो बेक हो चुकी है, नीचे से भी और ऊपर से भी जो हमने उसको गोल्डन ब्राउन करने के लिए रखा हुआ था वो सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। तो लेट्स टेक इट आउट और हम इसको देखते हैं निकाल के। ये अब आप देखें, ये बिल्कुल रेडी है, इट इज़ रेडी टू सर्व। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा, आप इन्जॉय करेंगे और इसको खाकर अपने व्यूज दीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। व्यूवर्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी, और अब माविश जाफर को इजाज़त दीजिए फ्रॉम होम किचन रेसिपीज से। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे।